नमस्कार, टेस्टी चटकर में आपका स्वागत है। आज हम आपको खसखस की चटनी बनाना बताते हैं। इसके लिए हमें किस किस चीज की आवश्यकता है ये देखिए। ये खसखस है जिसको हमने रात को भिगो दिया था। ये लहसुन और ये प्याज, इसको हम बारीक पीस लेंगे। और ये नमक मिर्ची मसाले हैं। अब इस खसखस को भी हम मिक्सी में पीस लेंगे। आइए अब हम मिक्सी में पीसते हैं। आइए अब हम खसखस की चटनी बनाते हैं। ये तेल हमने गरम कर लिया। अब हम इसमें अदरक, ये लहसुन प्याज डालेंगे जो हमने पेस्ट बना लिया था। इसको हम ब्राउन होने तक भून लेते हैं। लहसुन प्याज ब्राउन हो गए, अब इसमें हम नमक डाल देंगे। मिर्ची भी हम इसी में डाल देंगे ताकि कच्ची नहीं रहे। ये हल्दी डालते हैं हमने, हल्दी, मिर्ची। मिर्ची आप अपने स्वाद अनुसार डालें, जितना आपको तीखा चाहिए। बस इसमें ज्यादा कुछ नहीं डलेगा। इसको थोड़ा सा हम फ्राई करके पानी डाल देते हैं और उसको मसाले को अच्छे से भूनने देंगे। थोड़ा सा हम तेल के अंदर इसको, मिर्ची को ऐसे फ्राई कर लेते हैं तो कच्ची नहीं रहती हल्दी मिर्ची, और स्वाद भी अच्छा आता है, कलर भी अच्छा आता है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे तो इसको भुनने देंगे। अब इसको अच्छे से मसाले को भुनने देंगे तो तब तक तेल नहीं छोड़े। तेल छूटने के बाद ही हम इसमें खसखस डालेंगे। धीमी आंच करके भून लेंगे। देखिए अभी हमारा मसाला भून चुका है, इसमें तेल छोड़ दिया। अब हम इसमें खसखस डालेंगे। अब इसको थोड़ी देर और पकाएंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें हम। अब इसको थोड़ी देर पका के फिर गैस बंद करेंगे। देखिए अभी हमारी चटनी बनकर तैयार है। अब हम गैस बंद कर देते हैं।